और कैसे हो तुम लोग सारे? मुंबई से कोई है? मतलब मुंबई से कौन कौन है? एक सेकंड, कोई भी मुंबई से नहीं है? सब मुंबई से ना? हाँ, मेरे को लग रहा था। हाँ, क्योंकि तुम लोग ना ऐसे, तुम लोग इतने क्यूट लग रहे हो। हाँ, तुम लोग ऐसे बैठे हो कि जोक सुनाएगा। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ जैसे उसने बताया होगा, पर पता है तुम लोग तब भी नाइस हो। मुझे लगता है दिल्ली के लोग बेस्ट हैं। तुम लोग मानते हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं ना? हाँ, कोई नहीं मानता, पता नहीं क्यों। हम लोग हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखो, जैसे आप लोग शो देखने आए हो, राइट? कुछ लोग टिकट लेके आए हैं, कुछ लोग ऐसे आए हैं, है ना, एंटरटेन होने के लिए। हाँ, पर तुमने ना प्रेशर मेरे पे डाल रखा है कि ऐसा आएगा, राइट? तुम लोग सारे के सारे इतने लोग हैं, है ना, तुम इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि ये हंसाएगा। दिल्ली के लोग ऐसे आते ही नहीं है। हाँ, वो लोग टिकट लेके आते हैं, फिर ऐसे करते हैं कि भाई आपने आधा घंटा किया, मैं कर लेता हूँ, राइट? सच। हाँ, मतलब इतने जेनरस लोग हैं। तुम लोग नहीं हो, तुम लोग ना बदतमीज हो, क्योंकि तुम लोग, हाँ, मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तुम कि ये जोक सुनाएगा। मैं क्यों सुनाऊँ, बताओ? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, सर आप दोनों कैसे हो? सही हो? आप जानते हो एक दूसरे को? क्या रिलेशन है? अरे, फ्लैटमेट्स हो, फ्लैटमेट्स हो, ठीक है, दोस्त भी नहीं हो? ठीक है, फ्लैटमेट्स हो, राइट? हाँ, तो देखो यही है ना, आपने कितना, आपने जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया, राइट? आपको नहीं है कि शो अच्छा जाए, है ना, कि कुछ फनी बोल देता हूँ। हाँ, दिल्ली के लोग हैं, इतने प्यारा रिस्पॉन्स देते हैं कि उनको ये रहता है कि ये करे ना करे, हम तो फनी देंगे। हाँ, एक बार तीन लोग आए शो में, मैंने ऐसे पूछा, आप लोगों का क्या रिलेशन है? बोलते कपल है। तुम्हारा अलग चल रहा है क्या? मैं तो उनको पूछने लगा, क्योंकि नंबर नंबर देखो मायने नहीं रख रहा, तो मैं उनको पूछने लगा पार्ट ले सकता हूँ? बोलते नहीं, हमारा अलग चल रहा है। एक परफेक्ट जोक सुनाऊंगा। परफेक्ट जोक पता क्या होता है? मतलब उसमें बताऊंगा पंच लाइन, पर सब हंसोगे। किस किसने वैक्सीन करा ली? सबने करा ली ना? ठीक है, मैं समझा देता हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वैक्सीन से मेरा मतलब वो बाल नहीं हटाते। हाँ, किस किसने कराई? लड़कियाँ मत बताना। अरे आप, हाँ, भोले हो इतने आप लोग, लड़कों से पूछ रहा हूँ मैं, कराइए कराइए, क्यों है? नहीं करा भाई ये, मैं पता है सब लड़कों को ऐसे एडवोकेट करता हूँ कि करानी चाहिए, क्योंकि ना लड़कियाँ बता ही नहीं रही ये चीज़। हाँ, इतनी इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना। मैंने दोनों टांगे कराई थी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं यार, कोई बता ही नहीं रहा हमें। आपको पता था सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने दोनों टांगे कराई थी, इतनी कैसे समझाऊँ तुम्हें। आप पूरा दिन खुद से खेलोगे, समझो भाई। एक बार भाई, एक बार करा तू, मैं भाई किसी की, आपकी कोई बंदी है? हाँ, जरूरत ही नहीं आपको। भाई मैंने दोनों टांगे कराई, मुझे पता ही नहीं था, मैंने करा ली, बंदी आई तो तुमने देखा है, लड़कियां हमेशा क्यूट होने की कोशिश करती है, भाई ऐसे लैप पे लेटी फिसल गई। और मेरे को एक बात बताओ, मेरी गलती है, और मेरे को गुस्सा कर रही है, मेरा सर फट गया। मैंने मैंने कहा मैं बता रहा हूं ना, सही में कोई बता ही नहीं रहा हमें ये सब। मैंने पर एक चीज रियलाइज की कि हमें ना ऐसे ये करके ना बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, दुनिया जज करती है बहुत ज्यादा। मैं तो शॉर्ट्स में ऐसे चला गया यार, इतने बदतमीज होते हैं लड़के, लड़के होते हैं, इसलिए मेरे को लगता है मैं आप लोगों के साथ ना, सबके साथ, फीमेल्स के साथ एम्पेथाइज कर पाता हूँ, इसलिए, क्योंकि मैं करके गया, मेरे सारे दोस्त फोटो खींचे। सही में मुझे बोलना पड़ रहा है, शक्ल ऊपर है, क्या देख रहा है, माँ के नहीं देखे, ये सब बोलना पड़ रहा है मेरे को, कितनी घटिया चीज़ होती है। क्योंकि हाँ,
उन्होंने फोटो खींच के ना ऐसे फेसबुक पे डाल दी, विच इज़ फाइन, बट उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ऐसे ऐसे डाली कि एक लड़की की फोटो, एक मेरी फोटो, और फिर ऐसे बोला कि विच वन ऑफ देम इज़ अ गर्ल। भाई जीत के इतनी शर्म आई ना मेरे को। भाई बहुत प्यारी थी मेरी टांगे यार। दिल्ली के लिए, दिल्ली की पुलिस देखो, मेरे सामने एक बंदा ट्रिपलिंग करता हुआ जा रहा है, कोई हेलमेट नहीं, उसको नहीं पकड़ा, मैं गया, मेरे को रोक लिया, हेलमेट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स सब है, बस मैं शॉर्ट्स में हूँ। मेरे को पकड़ के बोल रहा है कहाँ जा रहे हो, जिसमें फरोश का धंधा कर, मैं पागल है तू। पागल वागल है क्या? बोलता बेटा जो कर रही है ना उनके पास नहीं है ऐसी, क्या लेके घूम रहे हो तुम। मैंने कन्विंस किया आपको थोड़ा सा कि नहीं, कि अभी नहीं कराओगे आप, कराओगे, करा ले यार, बहुत सी है, करा ले, करा ले। जैसे अगर आप जाओगे ना कहीं पे भी क्लब में और बोलेंगे स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है, तो अब ऐसे टांग दिखा सकते हो, भाई रोकेगा नहीं, वो बोलेगा जा अंदर, वो बाकी लड़कियों को रोकेगा कि वो देख रहा है। पर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, हम लड़कों को इन जनरल, हम हैं हरामी थोड़े से ना, इसलिए हमें ना एक से ज़्यादा बार नहीं करानी चाहिए। जैसे आप लड़कियाँ ना, मैं सपोर्ट करता हूँ भाई, रोज़ कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लड़कों को नहीं करानी चाहिए, पता क्यों? क्योंकि ना हम वही है, हरामी है। जैसे मैंने दोनों टांगे कराई थी, रात के 1:30 बजे मैं सो रहा हूँ चुपचाप, पता नहीं क्यों लेफ्ट टांग राइट टांग को छेड़ने लगी। तुम समझो क्या बदतमीजी है, बीच रात में दोनों टांगों का लग कर रहा हूँ, सेम गोत्र गयो तुम, चिपकी हुई हो, समझ में नहीं आता उन्हें। दारू कितने लोग पीते हैं? हाँ ठीक है, फिर काफ़ी लोग पीते हो, जो लोग नहीं पीते हो, कौन कौन नहीं पीता? क्यों पियो? हाँ क्यों नहीं पीते मैम? कभी ट्राई नहीं किया करना है? सर पीते हैं? क्यों बाबू, क्या हो गया बताओ? आप खुश हो लाइफ में ऐसा कुछ? हाँ यही दिक्कत है ना। जैसे ना, जैसे मैं नहीं पीता था तो बचपन में क्या होता है, मेरे पापा ना बहुत पीते थे, बहुत ज़्यादा, तो मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि मर जाएगा, तो आई मेरे को बोलती क्या है कि सुन दारू छोड़वा दें इसकी, तो मैं पापा के पास गया, मैंने बोला पापा दारू छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दी, अब मैं खुद पीता हूँ। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि यार कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया, क्योंकि इकलौती चीज़ थी जो इसे खुश कर रही थी और मैंने छीन ली, और मेरे को लगता है इन्होंने छोड़ भी दी, मैं तो नहीं छोड़ पाऊँगा कभी। जैसे आप उधर समझो, आने वाले 5 साल बाद आपका बच्चा आ जाता है, हाँ अभी स्पर्म से भरोसा करते हैं, मान लेते हैं आ जाता है, और ऐसे बोलता है क्यूट सी आवाज़ में कि पापा दारू छोड़ दो, आप छोड़ दोगे? है ना भाई, मैं तेरे सपोर्ट में, मैं भी नहीं छोड़ पाऊँगा, मैं तो, मेरे को तो इतना गुस्सा आ जाएगा, मैं तो ऐसे विस्की ग्लास मुँह पे दे के मार दूंगा। हाँ इतना बड़ा हो गया क्या ये? क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा भाई, इस दारू के से पैदा हुआ है तू, तुझे पता ही नहीं है। मूड बन गया था हमारा। कौन कौन काम कर रहा था लॉकडाउन में? वेरी गुड। तो कोई काम नहीं कर रहा था, राइट? मेरे घर के बाहर ना एक बंदा था पुलिस में, सिर्फ वो काम कर रहा था, मतलब अदर देन आई थिंक मेडिकल एम्प्लॉयज़, और कोई काम नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मेरे को वो दिखा ना, तो मैंने सोचा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, इसको थैंक यू बोलूँगा ज़रूर। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं गया और गले लग गया उसके, मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग दिस सिटी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अस। प्रॉब्लम पता क्या हुई? मैंने ना विस्पर कर दिया था। जिन लोगों को नहीं पता, जब आप कोई चीज़ विस्पर करते हो तो सेंशुअल हो जाती है। हाँ पता नहीं, देख मैं प्रूव कर सकता हूँ, देखो सपोर्ट करोगे सर आप? पक्का? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। ठीक है हिमांशु, एक बार ना सब चुप रहेंगे, ठीक है, सबको हाय बोलना जितना तेज हो सके, नॉर्मली हाय बोलना, ठीक है? हाय, है ना? अब सुनो, सब चुप रहेंगे, सबको ना विस्पर करना हाय। चुप रहना तुम सब, विस्पर करना, ठीक है सबको, ठीक है?
थोड़ा सा हुआ ना कि सही है हिमांशु, आगे रहो आप। तो मैंने जब ऐसे बोला ना कि थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग दिस सिटी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अस, तो उसको ऐसे सुना इधर है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग दिस सिटी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अस। प्रॉब्लम पता क्या हुई, हम गले लगे हुए थे। अब वो छोड़ नहीं रहा था। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं रहा क्या बोलूँ। और जब भी आप ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब रहते हो ना, कुछ भी नहीं बोल सकते जो कि विच कैन गो योर वे। मैं उसको बोल रहा हूँ सर मेरे पापा भी पुलिस में है। वो मैं मतलब तो बोलते कौन सी पोजीशन में, मैंने कहा पोजीशन, तो बोलते क्या बोलते हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि सर ले देके देख लो, तो बोलता है तो बोलता है सर, मैंने बोला कि सर देख लो, बोलते देख ही रहा हूँ। इतना ऑकवर्ड हो रहा था ना, मैंने कहा इसको कैसे बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि ये क्या पोजीशन है। तो मेरे को बोलता है कान में, भाई मेरा इतनी फट रही, मैंने कहा सर देख लो मेरे को जाना है प्लीज सर, मैं ना अच्छे घर से आता हूँ वैसे। तो बोलता है पैसे दो और जाओ। बोले यहाँ फट दी तूने, पैसे ले लेता मेरे से। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता होगा, तुम्हारे साथ होता होगा कभी लोग तुम्हें आके जोक सुनाते हैं, ऐसा होता है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि ओए जोक सुन, ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है ना, हाँ कुछ लोगों के साथ होता है, हाँ जिनकी सोशल लाइफ होती है यार। पर हमारे साथ जब होता है ना तो गुस्सा आती है। जैसे तू मेरे को जोक सुना रहा है, तू कभी फनी जोक नहीं सुना सकता, मैं ज़्यादा फनी हूँ ना। एक बार मम्मी आई मेरे को बोलती है सुन जोक सुनेगा, मैंने कहा नहीं, तो बोलती है सुन क्या हुआ ना एक बार, मैंने बोला सुनाओ चलो क्या ही करें, तो बोलती है सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खोना जाएंगे। किसी ने ये जोक सुना है? ओके दिस इज़ वेरी ओल्ड जोक, किसी ने नहीं सुना ना, बेस्ट है सुनो। तो मैंने बोला मम्मी को कि ये तो प्रेमिस है ना, तो बोलती है अभी पंच लाइन आएगी, मैच्योर है तू, क्या हो गया, सुन आराम से। तो मैंने कहा ठीक है सुनाओ, बोलती है सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खोना जाएंगे। बोलती है कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, हाथ में लोटा निगाहें नीचे। पक्का किसी ने सुना ये जोक? अरे ठीक है सुना है आपने, ठीक है पंचलाइन मत बोलना ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, देखिए हाथ में लोटा निगाहें नीचे, कभी टूट टूर कभी पुर पुर कभी हौले से बम, नहीं सुना ना किसी ने? हाँ अब वो ये सुनाया उन्होंने और पागलों इतना हंस रही हैं, मतलब पेट पकड़ के हंस रही हैं। मैंने बोला अपना पेट पकड़ो पहले, तो मेरा क्यों पकड़ रहे हो, ये कैसा जोक है? और वो ऐसे कर रही कि ये जोक सुना दे लोग पागल हो जाएंगे, हो ही जाओगे तुम लोग, ये क्या जोक है, पात पात पे जोक है, ये सुनाऊंगा मैं एज एन आर्टिस्ट, समझ रहे हो? और वो किए जा रही कि फनी नहीं है कितना, टूट टूर पुर पुर हौले से बम। मुझे इतना खराब लगता है ये कैसे जोक है, हाउ कैन दिस बी फनी राइट, हाउ कैन फार्ट बी फनी, आई डोंट नो, मतलब आप लोगों को फार्ट कैसा लगता है, मतलब मुझे तो अजीब ही लगता है। अब मेरे को एज एन आर्टिस्ट ये लगता है, देखो जैसे आप लोगों ने शोज भी देखे होंगे, कई बार आपने लाइव भी देखा होगा या ऑनलाइन भी देखा होगा, कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग तरह की स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं राइट, दे आर ट्राइंग टू लाइक प्रेजेंट अ पर्सपेक्टिव राइट, पॉलिटिकल कर रहे हैं, रिलीजियस कर रहे हैं, है ना, थोड़ा एनवेलप पुश कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये कर रहा हूँ मैं, टूट टूट पुर पुर कितना खराब लगता है। प्रॉब्लम पता है इस जोक के साथ क्या है, ये मेरे को बहुत फनी लगता है। तो मेरे को ये लगता है मैं कैसे सुना दूँ ऑडियंस को कि तुम्हें अजीब भी ना लगे, पर मैंने फिगर आउट ही नहीं किया, यही बस मैं करता हूँ कि टूट टूट पुर पुर हौले से बम। मैं इतनी बार कर देता हूँ ना दिमाग में लोगों के, क्यों घर जाके सोचते हैं कि हौले से, दिमाग में यही चल रहा होता है भाई, मेरे को लोग बोलते हैं मैसेज करते हैं कि
भाई टोटो फोर हॉल ए से बम। देखो यही है वो परफेक्ट जोक, बताऊँ क्यों? देखो कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी जेंडर, राइट, कोई भी एज ग्रुप इस पे हंस सकता है क्योंकि पाद है। हाँ तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना कोई बोले कि वो ऐसा जोक सुना जो जिसपे सब हंस लें, तो बोलना कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, यही था बस। क्या कॉन्स्टिपेटेड बंदा नहीं हंसी का? हाँ भाई भाई तूने तूने उसमें कमी निकाल दी है। आपकी टट्टियां सही हो रही है क्या?